जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी दिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। दोस्तों आज का वीडियो हिंदी साहित्य का स्टार्ट हो चुका है और आज हम हिंदी साहित्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि 9 बजे और सुबह 9:30 बजे, ठीक है। सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो आता है और रात्रि 9 बजे हम टेस्ट सीरीज करते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं 9098609291 इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू के बताना है आपको सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद या मैत्रीचरण गुप्त जी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू काव्य की रचनाकार बताना है, यानी कि 130 का उत्तर बताना है और बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद, है ना। आंसू काव्य जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये छायावाद के क्या माने जाते हैं? मधुराज यादव जी भी ज्वाइन बटन से जुड़ चुके हैं, धन्यवाद, है ना। आंसू काव्य के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये तीनों ही छायावाद के आधार स्तंभ हैं। मैत्रीचरण दोस्तों आपको पता है कि ये जो है राष्ट्रकवि हैं, दद्दा इनका उपनाम है ना। दद्दा और मधोप, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको रट भी गया होगा, ठीक है। और आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और छायावाद के प्रवर्तक भी इलाचंद्र जोशी ने इन्हें माना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, बिहारी हैं, कबीर हैं, या फिर रहीम हैं? चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता बताने हमें यहाँ पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वाइन बटन पर जाएं, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें कुरैशी जी, है ना। और वहाँ पर आपको प्लान दिया होगा, आप प्लान देख लें, सिल्वर गोल्ड और डायमंड, है ना। फिर आपको उसमें से आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का जो है विवरण भरना होता है। तो ज्वाइन बटन पर सबसे पहले तो क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी होती है। हाँ, आज तार सप्तक का जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और रहीम यानी कि कल आपका तार सप्तक का वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर चंदन विश्वव्यापत नहीं, ये किसकी है? रहीम की है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला बताना, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चित्तबत एक बार, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है आपको किसकी है। अमीय हलाहल मद भरे, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, कई बार पूछी भी गई है। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? आलम साहब की है, बिहारी की है, मतिराम या फिर रसलीन की है? एटीएम कार्ड से हो जाएगा, एटीएम से। और प्रश्न क्रमांक आपको पता है, अमीय हलाहल मद भरे यानी कि रसलीन, रसलीन यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? याद करने की सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं। अमीय, अमीय से आप लेंगे कि अमीय से अपन बोलते ना आम, है ना, आम। और आम में क्या होता है? रस होता है, रस। आम में क्या होता है? रस होता है, तो रसलीन, है ना। अमीय हलाहल मद भरे, इस प्रकार से हमें ट्रिक भी देख लेना है, याद भी कर लेना है ना। अगला है, जब 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 हो धर्म की हानि
बाड़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसकान, बिहारी, तुलसीदास या फिर कबीर। चार विकल्प हैं, 133 का उत्तर बताना है। देखो ज्वाइन मेंबर का आपको बता रहा हूं कि जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं उनके कमेंट मुझे एक साथ मिलते हैं, जितने भी उनके कमेंट होते हैं वो मुझे एक साथ देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ज्वाइन वालों के लिए जो सेशन है वो अलग से चलेगा, यानी कि ज्वाइन मेंबर के जो वीडियो हैं वो केवल ज्वाइन मेंबर ही देख पाएंगे, दूसरे मेंबर नहीं देख पाएंगे, है ना। और तो ज्वाइन मेंबर के लाने लिए और भी है, आपको हाई आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट होता है, आपको इमोजी दिया जाता है स्पेशल। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में आपको पता है कि जो तुलसीदास जी हैं राम काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? रचयिता बताना है रसखान जी हैं, विहारी हैं, तुलसी हैं या फिर मीरा हैं। चार विकल्प हैं, यानी कि 134 का उत्तर आपको बताना है। 134 में प्रश्न क्रमांक बताना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसमें जो ये पंक्ति हो जाएगी ये भी किसकी है? तुलसीदास जी की ही है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदि काल कह दिया, वीर गाथा, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, क्या कह दिया है? और दोस्तों जो विवेक शंकर की बुक मैंने आपको बताई थी वो अवेलेबल हो गई है ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, तो ऑनलाइन आप लोग खरीद सकते हैं किसकी? विवेक शंकर की बुक को। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो नाम दिया वीरगाथा काल, आदि काल जो नाम दिया गया हजारी प्रसाद द्वारा, चारण काल जो नाम दिया गया राम कुमार वर्मा ग्रियर्सन द्वारा, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तो वीरगाथा काल, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। और अगला है, वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? अब वीरगाथा काल के कवि तो आप सभी को पता है, सारे कवि पता हैं, आप गणपति सारीभद्र सूरी से लेकर आप चंद बरदाई तक सारे के सारे कवि आपको पता है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल के जो कवि नहीं है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो नामदेव है, नामदेव ये भक्ति काल के माने जाते हैं, मधुकर हैं, जगनिक हैं, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तो नामदेव ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है और बी नंबर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंदबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति, कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ बताना है यहाँ पर। और दलपति विजय, इनकी एक खुमाण रासो रचना है, कौन सी है? खुमाण रासो, खुमाण रासो है। जगनिक की तो आला खंड आपको पता है, ठीक है, परमाल रासो जिसे कहा जाता है। विद्यापति की तीन प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पदलता पताका, चंद्रबरदाई की तो पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है। ठीक है, तो वीरगाथा काल की सर्वश्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है वो कवि माने जाते हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं, यानी आपका उत्तर होगा ए नंबर। और चंद्रबरदाई का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो अधिकांश लोगों को पता है, है ना, जयदेव हैं, जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं, ये चार विकल्प हैं। और चार में से आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का ग्रंथ है, है ना, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा क्या थी ये बतानी है, ब्रज थी, कन्नौजी थी, खड़ी थी या फिर साधुकड़ी थी, कौन सी थी? कबीर दास की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? यानी कि प्रश्न क्रमांक 139 का उत्तर बताना है। और दोस्तों ये साधुकड़ी भाषा
किसने कहा है, कबीरदास की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा किसने कहा है। कबीरदास जी की जो भाषा मानी जाती है वो सादुक्कड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे सादुक्कड़ी किसने कहा। प्रश्न क्रमांक 139 का आपका उत्तर बताना है, सादुक्कड़ी इसे किसने कहा है, आपको ही उसका चयन करना है और बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर, ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। ये पंक्ति आपको बतानी है तुलसीदास जी की है, जायसी की है, जयशंकर प्रसाद जी की या कबीरदास जी, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है आपको बताना है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नग हीर। हाँ, वेरी गुड, शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी भाषा कहा है, बिल्कुल याद रख लेना है। हमने पढ़ा था कि पंचमेल खिचड़ी कहा था किसने, श्याम सुंदर दास ने, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। सादुक्कड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा जायसी, ठीक है। जायसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, जायसी बिल्कुल सही हो जाएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नगहीर, जायसी जी की पंक्ति है। और जायसी जी का एक काव्य है, कौन सा काव्य है दोस्तों, कौन सा है, पद्मावत है ना, पद्मावत है। और पद्मावत इनका श्रेष्ठ महाकाव्य और हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है पद्मावत, ठीक है। तो याद रखना है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, शिवा बावनी, पद्माकर, केशवदास, भूषण या फिर जगनिक। प्रश्न क्रमांक 141 का उत्तर हमें बताना है, शिवा बावनी की रचनाकार, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये रचना। और इस रचना के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, भूषण जी, है ना। शिवा बावनी ये भूषण की रचना है और रीति काल में एकमात्र ऐसा वीर रस का कवि था भूषण, जिसका उपनाम कहीं कहीं मणिराम, कुछ विद्वान मणिराम भी मानते हैं और कुछ विद्वान घनश्याम भी मानते हैं ना, घनश्याम, तो कुछ घनश्याम तो कुछ मणिराम, है ना। तो ये शिवा बावनी की रचनाकार भूषण जी माने जाते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक भी इन्हीं की रचना है भूषण जी की। नर की और नर नील की गति ये की करे जोए, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है, और आपको पता है दोस्तों वो कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है ना, रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है। और उसकी एक रचना है बिहारी सत्सई, है ना, बिहारी सत्सई। और विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई वो बिहारी सत्सई की लिखी गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और बिहारी सत्सई में 713 दोहे मिलते हैं कहीं कहीं, और 719 दोहे भी मिलते हैं। और नर की और नर नील की ये जो पंक्ति है वो बिहारी लाल की है, बिहारी यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि सकीबे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। सकीबे मुझसे कहकर जाते अज्ञे की है ना, हरियोद की है, या फिर मैत्री शरण गुप्त की, या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपने यशोधरा खंड काव्य पढ़ा होगा, इसे धरा खंड काव्य होते हुए भी ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन ये खंड काव्य है यशोधरा। और यशोधरा में हम पंक्ति पढ़ते हैं कि सखी बे मुझसे कहकर जाते, सखी बे मुझसे कहकर जाते। और आपकी जो विकल्प नंबर होगा क्या होगा, बी नंबर, यानी मैत्री शरण गुप्त, याद रख लेना, मैत्री शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। और गुप्त जी का उपनाम मैं आपको हमेशा रटवा रहा हूँ, मधोप और दद्दा, दद्दा भी इन्हें कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता था, कलाधर, है ना। और ये दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरियोद, हरियोद इनका अयोध्या से उपाध्याय का उपनाम है। अज्ञे सचिदानंद हीरानंद बादशाह इनका उपनाम है, ठीक है। तो ये उपनाम का वीडियो मैंने आपको दिया है, ट्रिकी वीडियो दिया है, तो वो ट्रिकी वीडियो भी आपको देख लेना है। उपनाम वाला, कवियों के उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे तो कौन थे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले बताना है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो छंद मुक्त रचना थी निराला जी की, वो कौन सी थी, छंद मुक्त रचना वो कौन सी थी, छंद मुक्त रचना थी, तो वो थी दोस्तों आपकी
जूही की कली, है ना, जूही की कली, जूही की कली याद रख लेना है। ये छंदमुक्त रचना थी किसकी, निराला की। तो कविता को छंदों की परदी से मुक्त कराने वाले हैं तो वो कौन है, निराला जी। और निराला जी के बारे में रक्षाबंधन की मैंने आपको कहानी ही बनाई थी, इन्होंने कहा था कि हम जैसे फक्कड़ को कौन भाई बनाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति, इन्होंने लंबा शोक गीत लिखा है सरोज स्मृति, ये भी आपको याद रखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दोस्तों इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है निराला जी को, तो इनके बारे में याद रख लेना है निराला जी के बारे में। और तितली किसकी रचना है, तितली बतानी है, तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न क्रमांक 145 तितली बहुत ही बढ़िया है ये रचना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तितली के बारे में आपको बताना है और तितली एक किसकी रचना है। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। और तितली ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, प्रसाद जी का, है ना। इनके नाटक हम पढ़ लेते हैं, सज्जन है, राजश्री है, है ना, कल्याणी है, और बहुत सारे नाटक हैं, इनके नाटक तो हमें याद रख लेना है। हाँ, कंकाल तितली और इरावती, कंकाल तितली और इरावती ये इनके उपन्यास हैं, बहुत बढ़िया। किसके उपन्यास हैं, ये उपन्यास हैं प्रसाद जी के, कंकाल तितली और इरावती, इनको याद रखेंगे। और अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र, हाँ बताना है अतीत के चलचित्र रचनाकार कौन है। और दोस्तों आपको बताना है कि कंकाल तितली और इरावती में जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है जयशंकर प्रसाद जी का, इन तीनों में से बताना अधूरा उपन्यास कौन सा है। और अतीत के चलचित्र ये जो रचना है ये किसकी है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करवाया था, क्या करवाया था कि अतीत के गर्त से आपको कौन निकालेंगी, कौन निकालेंगी, महादेवी जी, महादेवी जी निकालेंगी, तो महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र यानी कि महादेवी वर्मा। और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इरावती अधूरा है अंकुर जी, वेरी गुड। इरावती क्या है, अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, इरावती, तो इरावती को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव की रचयिता कौन है, पल्लव, पल्लव बताना है दोस्तों, छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। पल्लव को ये कई बार रचना पूछी गई है, और सुमित्रा नंदन ये पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमलेश पाल जी पल्लव की रचयिता। और सभी लोग ज्वाइन मेंबर जरूर बनेंगे, ज्वाइन बटन को जरूर दोस्तों आपको क्या करना है, खरीदना है, है ना। और ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं चैनल के, ठीक है, तो ज्वाइन मेंबर बने। और सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है पल्लव, ठीक है, इनकी युगवाणी है, ग्राम्या है, ग्रंथी है, ठीक है, पंत की प्रकृति के चितेरे कवि इन्हें कहा जाता है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको जॉय सर निरंतर टेस्ट करवाते हैं, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, 9098609291 इस नंबर पर आप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी तुरंत ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम की। तो चिंतामणि के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मनोविकार पर आधारित जो निबंध लिखे हैं, मनोविकार पर आधारित वो किसने लिखे हैं, तो वो शुक्ल जी ने लिखे हैं, है ना। जैसे करुणा की बात करें, करुणा भी इनका है, शुक्ल जी का मनोविकार पर आधारित है। और यहाँ पर सी नंबर चिंतामणि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। और अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है दोस्तों, और ये नाटक किसका है ये बताना है, सेठ गोविंद दास का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का, ये फिर गोविंद बल्लभ पंत का है, कौन सा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये कृति बतानी है, बहुत ही बढ़िया कृति है और पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है दोस्तों। और आपको पता है
कि यहां पर एक शब्द आया है नांग, कौन सा शब्द आया है नांग, और नांग आपको पता है किसके गले में पड़ा रहता है, शंकर जी के, तो कौन होंगे, जय शंकर प्रसाद। बोले नांग आया है और नांग शंकर जी के गले में है, तो जय शंकर प्रसाद, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, है ना, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, पंक्ति के बताना है सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर हैं, और मैंने आपको बताया है कई बार कि हम दीवाने हैं किसके, भगवती के, हम किसके दीवाने हैं, भगवती के दीवाने। आप बोलते हैं ना कि दीवाना तेरा आया बाबा तेरे मंदिर में, इस प्रकार से माता तेरा मंदिर, इस प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया भजन है, देवी गीत है, है ना। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, तो ये भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, सबसे पहले यहाँ पर विकल्प अनुसार बताना है दोस्तों आपको, है ना, चार विकल्प हैं, चार विकल्प अनुसार इनमें से निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, ये चीज़ आपको बतानी है, चार विकल्प हैं। कुछ लोग तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सबसे पहले आत्मकथा लिखी राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, ऐसे बता देते हैं, लेकिन आपको पता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, अर्धकथानक, है ना, अर्धकथानक मानी जाती है, कौन की मानी जाती है अर्धकथानक, बनारसीदास जैन जी की मानी जाती है, ठीक है, अर्धकथानक। और दोस्तों ये आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो सत्य की खोज लिखी है किसने, राजेंद्र प्रसाद ने, सत्य की खोज, तो सत्य की खोज डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसीदास जैन की मानी जाती है। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया है, कहाँ से ली गई है, कौन से खंड काव्य से ली गई है, कौन सी रचना से ली गई है, ये चीज़ हमें बतानी है। और जिन भी साथियों ने पुराने ओल्ड पे वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, ट्रिकी वीडियो की आपकी 25 यानी कि 25 वीडियो ट्रिकी वीडियो के पहुंच चुके हैं आपके, जिसमें हमने साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं पढ़ी, कवियों के उपनाम पढ़े, व्यास सम्मान पढ़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचनाएँ पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, और वो ट्रिकी वीडियो आपके अमेजिंग वीडियो हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो हैं। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये तो कई बार पंक्ति पूछी गई यशोधरा की, यशोधरा यानी कि जो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये यशोधरा की है, यशोधरा, यशोधरा से ये पंक्ति ली गई है। और हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, तो ये पंक्ति किसकी रचयिता कौन है, पंक्ति के रचयिता, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है दोस्तों, कि हिमालय के आंगन में जो है उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिवादन किया तो 153 और 153 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उषा प्रथम किरणों का देव उपहार, हिमालय आया है दोस्तों, हिमालय पर्वत, ऐसे ही कैलाश पर्वत था, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, है ना, और कैलाश पर्वत पे जाकर कौन बैठ गए थे, शंकर जी तपस्या करने बैठ गए थे, तो हिमालय पर्वत आ रही है, हिमालय की बात आ रही है, कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत ये पर्वत हैं, और जयशंकर जी, शंकर जी बैठ गए थे, तो ये शंकर जी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का होगा। आलवार भक्तों की संख्या बतानी है, यानी कि 144 का उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रामानंद के शिष्य 12, है ना, आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी आप बता देना, है ना, और साकेत में जो आपके ग्रंथ है, साकेत में जो आपके सर्ग हैं वो भी आपके 12 हैं, है ना, और 12 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी बार आया है, बार को कर दो 12, तो क्या हो जाएगा, 12, आलवार भक्तों की संख्या 12, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बार आया है और बार 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 आ रहा है, और बार बार मतलब 12, ठीक है, 12 है आलवार भक्तों की संख्या, याद रखेंगे। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, भक्ति का वेदों में मिलता है, सूक्त में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं, कहाँ पर मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है,
और आपने तो वेद तो आपने पढ़े हैं, वेद चार वेद होते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ना, सभी लोगों ने पढ़े हैं। और भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है उपनिषद में। कहाँ पर मिलता है? उपनिषद, यानी कि जो आपका बी नंबर है उपनिषद, बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति का उल्लेख मिलता है आपका उपनिषद में, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संत काव्यधारा को ज्ञानश्रय किस विद्वान ने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि संत काव्यधारा जो है, जिन्हें ज्ञानश्री शाखा भी कहा जाता है, भक्ति काल की एक काव्यधारा है, ठीक है, और एक काव्यधारा को जो ज्ञानश्री शाखा कहा है तो वो किसने कहा है, ये चीज बतानी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 156 का उत्तर बताना है। चार विकल्प हैं, चार आलोचक हैं थे, और चारों में से आपका जो उत्तर जा रहा है वो क्या जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने ज्ञानश्री शाखा कहा दोस्तों इसे, ठीक है, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संत काव्यधारा को ज्ञानश्री कहने वाले जो विद्वान थे वो थे शुक्ल जी। संत शब्द को सत साम्य किसने माना है? संत शब्द को सत साम्य मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल थे, आचार्य शुक्ल थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, या परमेश्वर चतुर्वेदी थे? कौन थे संत शब्द को सत साम्य मानने वाले? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और संत शब्द को सत साम्य मान लिया और वो माना है किसने? परमेश्वर चतुर्वेदी ने सत साम्य माना संत शब्द को। और दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, संतों को परमेश्वर की उपमा दे देते हैं, और परमेश्वर चतुर्वेदी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही होगा। पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर नाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी कि 58। डॉक्टर पीताम्बर नाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या बतानी है, 12 है, 14 है, 13 है, या फिर 12 है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो आपका नाथ पंथ था, नाथ पंथ, और नाथ पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मतेंद्र नाथ माने जाते हैं, और प्रमुख जो माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं, मतेंद्र नाथ के मच्छेंद्र नाथ, मतेंद्र नाथ ये उन्हीं के उपनाम हैं, और मच्छेंद्र नाथ के जो शिष्य थे वो गोरखनाथ थे, ठीक है, और गोरखनाथ के जो ग्रंथों की संख्या मानी वो कितनी मानी है? 14 मानी है। किसने? पीताम्बर नाथ बर्थवाल साहब ने 14 मानी है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी या फिर सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है? हठ योग दर्शन की गोरखनाथ ने की है, सरहपा ने की है, लुईपा ने की है, इनमें से कुछ किसी ने भी नहीं की। हठ योग दर्शन की व्याख्या करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? चार में से चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। कल सुबह आपका तार सप्तक का वीडियो आएगा, है ना, तार सप्तक का जो कवि है उनका टिर्की वीडियो आएगा सुबह 9:30 बजे, और रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है, अध्ययन करते हैं बहुत सारी चीजों का। और एक हमने वीडियो आपको दिया है सहस्रा जी काय वाला दिया है, मिलती जुलती रचनाएं वाले, जैसे हम बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती एक ही नाम वाली होती हैं, विभिन्न विद्वानों की होती हैं, विभिन्न कवियों की होती हैं, मिलती जुलती रचनाएं, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जब मैं किसी रचना का कभी बताता हूं तो आप बोलते हो सर ये रचना तो उसकी है, तो मिलती जुलती रचना वाला जो वीडियो है वो सभी को देखना है। और इसके हठ योग दर्शन की जो व्याख्या की है वो किसने की है? गोरखनाथ ने की है, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी है? हठ योग मानी है ना, पत्नी के प्रति अनादर माना है, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर माना है, या क्या माना है? प्रश्न क्रमांक 160 का आंसर आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी है वो मानी है ग्रस्त धर्म के प्रति अनादर, ग्रस्त धर्म के प्रति अनादर, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुराज जी, एस जी, सहस्रा जी ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे, है ना, और ग्रस्त धर्म के प्रति अनादर आपका बिल्कुल सही है। जायसी की रचना पद्मावत को मसनबी शैली में किसने माना है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया है पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है ना, अवधी भाषा का है, और मसनबी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन है? नगेंद्र ने माना है, शुक्ल ने माना है, विजय देव नारायण शाही ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है? तो किसने माना है? जायसी की रचना पद्मावत
को मसनबी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन हैं मसनबी शैली में, और मसनबी शैली में माना है किसने? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की जो शैली माना है वो मसनबी शैली, और ये अवधि भाषा का महाकाव्य है। ठीक है, याद रख लेना, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी यही माना जाता है पद्मावत। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता धर्मदास हैं, नाभादास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आप हम पढ़ते हैं कि जो नाभादास जी हैं, नाभादास जी, इनकी एक रचना है भक्तमाल, जो आपकी हमेशा पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, और कबीर की रचनाओं के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? धर्मदास। धर्मदास यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मदास कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता माने जाते हैं, ए नंबर बिल्कुल सही है। किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है? विशिष्टाद्वैत से बताना है। विशिष्टाद्वैत बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? विशिष्ट हैं कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य माने जाते हैं, है ना, विशिष्टाद्वैत के और श्री संप्रदाय के। और मैंने संप्रदाय भी आपको याद करवाए हैं, दर्शन भी याद करवाए हैं, सिद्धांत भी याद करवाए हैं, तो वीडियो जरूर देख लेना। और किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है? तो विशिष्टाद्वैत से जो संबंध है दोस्तों वो दास भाव। दास भाव यानी कि आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम पढ़ लेते हैं कि दास भाव, है ना, दास भाव की जो भक्ति है, दास भाव की भक्ति, वो दास भाव की जो भक्ति है वो तुलसीदास जी की है, है ना, तुलसीदास जी की है। और सखा भाव की जो भक्ति है, सखा भाव की, ये सूरदास जी की है। और माधुर भाव की जो भक्ति है वो मीराबाई की है। ये भक्तियाँ भी कई बार पूछी गई हैं, मीराबाई की माधुर, है ना, तुलसीदास की दास भाव और सूरदास की सखा भाव की, है ना, याद रखना। रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? रीति मुक्त कवि बताना। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, बिहारी, ठाकुर, बोधा या फिर घनानंद, इनमें से चार में से बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 164 है, और 164 का आपका बिल्कुल सही है कि जो ठाकुर हैं, बोधा हैं, घनानंद हैं, ये तो सभी रीति मुक्त हैं, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारी जी। और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कलाकाल जो कहने वाले हैं वो कौन है, है ना। श्रृंगार काल तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में लोग श्रृंगार करते हैं, विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा, है ना। और दोस्तों जो कलाकाल कहा वो किसने कहा है, तो याद रख लेना है, किसने कहा है जल्दी बताओ। कलाकाल कहा है भागीरथ मिश्र ने। भागीरथ मिश्र यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने, है ना, और कलाकाल कहा भागीरथ मिश्र ने, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र साहब ने, है ना, इसे कलाकाल कहा, बी नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है अखरावट किसकी रचना है? अखरावट, है ना, अखरावट बताना है। अखरावट, पद्मावत ये रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं किसकी हैं, है ना, और ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। जायसी यानी कि जो विकल्प नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और अखरावट इन्हीं की रचना है, ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख, तुलसीदास जी राम काव्यधारा के प्रमुख, कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख, और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख, ये तीनों ही शाखाएँ चली दोस्तों किसमें? भक्ति काल में। और अखरावट रचना आपसे पूछी गई तो अखरावट आपने बता दी कि सर ये तो जायसी जी की है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अपनी रचनाओं में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है? कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी या फिर सूरदास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है प्रदीप जी, है ना, कंचन जी। प्रश्न क्रमांक 167 का जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा जायसी। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जायसी।
और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये कथन किसका है, ये चीज हमें बतानी है। चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये कथन किसका है, आचार्य शुक्ल जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर रामकुमार वर्मा का है। तो आपका राइट आंसर आपको बताना है चार विकल्पों के माध्यम से, उत्तर क्या हो जाएगा। अपने ग्रुप में मैसेज चल रहा था, है ना, किसी ने विवेक शंकर की बुक के बहुत चार पांच छह प्रश्न डाले थे, और बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने भी वो प्रश्न देखे थे, है ना, और YouTube में भी इस बुक का मैंने रिव्यू लिया और बुक का देखा, तो बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें सन भी दिए हैं, तो क्रमबद्ध अध्ययन भी आपका होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और आपका इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ये नगेंद्र जी की बहुत ही बढ़िया ये परिभाषा दी है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपश्री जी, सहस्रा जी, यस जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर जुड़ चुके हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर अवश्य बने, ठीक है। और जानकी मंगल की जो भाषा है वो क्या है, मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि जहां पर मंगल आए और जहां पर राम आए, वो अवधि भाषा की रचनाएं हो जाती हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई दोस्तों, है ना, और 12 में आपको जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक बताई थी कि कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि भाषा में है, और यहां पर जानकी मंगल की पूछी गई, तो ये जानकी मंगल आया, यानी कि आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी, अवधि, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अलंकार पंचासी का किसकी रचना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतिराम का है ना, या फिर बोधा, घनानंद, आलम, ये किसकी रचना है दोस्तों। अलंकार पंचासी का आपको बताना है, मधुराज जी ने गोल्ड प्लान खरीदा है, किसने, मधुराज जी ने, तीन प्लान है अपने, सबसे पहला सिल्वर प्लान है, ठीक है, जो 59 रुपए पे करके आपको ये सिल्वर प्लान खरीदना है, दूसरा आपका गोल्ड है जो आपको 159, और तीसरा है डायमंड जो आपको 299, तो आपको खरीदना है दोस्तों और ज्वाइन मेंबर बनना है, ठीक है। और अलंकार पंचास क्या यहां पर पूछा गया, तो मतिराम यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकार पंचासिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मतिराम है, है ना, और आपकी मति यानी कि आपके भाव हमेशा होते हैं अलंकार करने के, अलंकार करने के, अलंकार पढ़ने के भाव होते कि नहीं होते, होते होंगे, मतिराम जी की है, ठीक है। रीतिकाल का कोई भी कभी भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी, उपरोक्त कथन किसका है, बहुत ही बढ़िया कथन है दोस्तों। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा हमने पढ़ ली है, और रीति काल का कोई भी कभी भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी, उपरोक्त कथन किसका है। तो ये बुक जो है दोस्तों, मैंने आपको जो बताई है, ये बुक सभी लोग खरीद लें, फिर मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, है ना। तो सभी लोगों को बुक खरीदना है, और रीति काल का कोई भी कभी भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, ये जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र साहब का है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है, आ नंबर आपका सही होगा। दोस्तों मैं कब से ढूंढ रहा था इस बुक को, और ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी, कौन सी, विवेक शंकर जी की, लेकिन अब जाके कहीं ये स्टॉक में है, है ना। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको पता होगा दोस्तों कि रामचंद्रिका ये केशवदास की भक्तिकालीन रचना मानी जाती है, और ये भक्तिकालीन जो रचना है दोस्तों, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और आपको पता होगा कि आदिकाल में एक रचना है पृथ्वीराज रासो है, और ये पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों, इसे भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है, है ना। हिंदी साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर जी, और इसकी लिंक दी है आपकी डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दे दी है साइट की, जहां से आप खरीद सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी, उस लिंक का जो संबंधित व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको दिया है, कहीं आपको दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर में आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, और ये जो डिलीवरी है आपकी होम डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर जो कहा है वो आचार्य शुक्ल ने कहा है,
यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये केशवदास की है, केशवदास, तो ये चीज भी आपको केशवदास को याद रखना। इनकी रचना है दोस्तों रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है ना, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास जी की हैं। ठीक है, निसिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, पंक्ति किस कवि की है। चार विकल्प हैं, 173 का आंसर आपको बताना है, तुलसी की है, सूर्य की है, बिहारी की है, या फिर कबीर की है। निसिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ निकिता जी ने सेंड किया था, है ना, बहुत बढ़िया। और निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, ये जो पंक्ति है प्रश्न क्रमांक 173, और 173 का उत्तर आपका सूर, सूरदास जी की है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, सूरदास जी की बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रीति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, तो क्या कहा है दोस्तों। अब बाद में आप लोग नहीं बोलना सर बुक बताओ, मैंने आपको बुक बता दी है, पीजीटी के लिए भी और नेट के लिए भी, है ना, और आरपीएससी के लिए भी, ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक बुक है। ठीक है, बुक का नाम है हिंदी साहित्य, डॉक्टर विवेक शंकर। ठीक है, इसकी लिंक भी मैंने आपको साइट की नीचे दी है, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है नीचे, तो आप खरीद सकते हैं। और रीति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, तो क्या कहा है, रीति काव्य, क्या कहा है, रीति काव्य, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है, कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा किसने, विश्वनाथ ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, वही रीति काव्य जो कहा वो किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने कहा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो आ नंबर बिल्कुल सही होगा। और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में इनका एक ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, ये इनका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो एस जी दीप प्रकाश जी, ये सारे जो हमारे मेंबर हैं, ज्वाइंट मेंबर हैं, वो अलग ही दिखते हैं, उनका तिरंगा जो है वो अलग ही लहराता है। रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग, दरबारी रुचियों की जगह लोक रुचि, अभिव्यक्ति की जगह अनुभूति, अलंकार प्रियता। रीति मुक्त कवियों की जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है, प्रश्न क्रमांक 175 का उत्तर हमें बताना है, कौन सी नहीं है। हाँ, कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, कलाकार, वेरी गुड। तो रीति मुक्त, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, ये काव्यधाराएं, तीन काव्यधाराएं थी दोस्तों रीति काल की, और इनकी जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं, रीति मुक्त की अलंकार प्रियता, यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना, डी नंबर, अलंकार प्रियता इनकी जो है विशेषता नहीं है, और डी नंबर इनका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, आचार्य बामन थे, आनंद वर्धन थे, औचित्य थे, या फिर भामह थे। रीति संप्रदाय के मैंने आपको कई बार याद करवाए हैं, सारे संप्रदाय याद करवा दिए हैं, बार बार मैंने आपको याद करवाए हैं कि ध्वनि संप्रदाय ये आनंद वर्धन का है, अलंकार संप्रदाय ये भामह जी का है, औचित्य संप्रदाय ये क्षेमेंद्र जी का है। तो रीति संप्रदाय किसका होगा, रीति संप्रदाय होगा बामन जी का, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन पच्चीकारी का नाम दिया, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये किसने दिया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़े पर महीन पच्चीकारी का नाम किसने दिया है, या महीन पच्चीकारी का नाम देने वाले जो विद्वान हैं वो कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामकुमार वर्मा, या फिर नगेंद्र हैं, तो कौन है ये हमें बताना है। चार विकल्प हैं, चार में से आपको सही बताना है, और प्रश्न क्रमांक 177 का आंसर आपका जो बिल्कुल सही होगा वो आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारी के काव्य को हाथी दांत के टुकड़े पर महीन पच्चीकारी का नाम दिया, तो वो शुक्ल जी ने दिया है, और ये शुक्ल के कथन बड़े संभाल कर रखना है, क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अगला है, रीति काव्यधारा के प्रेम और श्रृंगार को गृहस्थिक कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों। रीति काव्यधारा के प्रेम और श्रृंगार को गृहस्थिक किसने कह दिया,
डॉक्टर नगेंद्र साहब ने कह दिया, बिलास शर्मा ने, नामवार सेन ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने कह दिया? गृहस्थिक। और अब जब रीति काल में बहुत सारे लोगों ने प्रेम और श्रृंगार की बात की, वहीं एक कवि था भूषण, जिसने वीर रस की जो है काव्य रचना की है, और भूषण का नाम घनश्याम और मणिराम था, जो हम आपको अब हमेशा बताते हैं, यानी कि आप तक रट गया होगा। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, रीति काव्यधारा के प्रेम और श्रृंगार को ग्रस्तिक कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस कवि को भक्ति काल और रीति काल दोनों में स्थान प्राप्त है? केशवदास को, मतीराम को, घनानंद को, या चिंतामणि को? किसको है दोस्तों भक्ति काल और रीति काल दोनों में स्थान प्राप्त? प्रश्न क्रमांक 179 का उत्तर आपको बताना है, और 179 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि केशवदास। केशवदास यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कवि को भक्ति काल और रीति काल दोनों में स्थान प्राप्त है? तो वो है केशवदास को, क्योंकि इनकी जो केशवदास जी की रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका है ना, ये जो रचना है दोस्तों रामचंद्रिका, ये बहुत ही बढ़िया है और ये भक्तिकालीन मानी जाती है, छंदों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो केशवदास आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। लेकिन छंदमाला रचना हमेशा पूछी जाती है, ये किसकी है? भिखारीदास की है। भिखारीदास की तो हमने काव्य निर्णय, काव्य श्रृंगार निर्णय, ये भिखारीदास की पढ़ी थी रचनाएं। चंदबरदाई की तो हमने पढ़ी है, महाकाव्य इनका पढ़ लिया, पृथ्वीराज रासो। मैत्री शरण गुप्त के भी हमने पढ़े हैं, भारत भारती, साकेत, खंड काव्य भी इनका पढ़ा है, मैत्रीशरण गुप्त का। तो छंदमाला जो रचना है ये किसकी है? केशवदास, है ना, केशवदास। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर, सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवदास की रचना का नाम है छंदमाला, और विकल्प नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। और भारत आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों जो हिंदी सम्मेलन है वो आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हिंदी सम्मेलन आप सभी को याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, न्यूयॉर्क में, मॉरीशस में, या फिर सूरीनाम में? आपको पता होगा दोस्तों कि पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? नागपुर में हुआ था, अपने नागपुर, है ना, नागपुर में हुआ था पहला, और 2015 में भोपाल में हुआ था, है ना। और आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क, जहां पर यूनिसेफ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? यूनिसेफ का, ये न्यूयॉर्क में है, और बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। भंवर गीत किसकी रचना है दोस्तों? भंवर गीत नंददास की है, नावादास की है, कुंभन दास की है, सूरदास जी की है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, आपने पढ़ा होगा अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, 1565 में। लेकिन यहाँ पर यही पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग कुंभन दास को बता देते हैं, लेकिन वास्तव में है नावादास। नावादास ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते, इनकी एक रचना मानी जाती है कौन सी? भक्तमाल। और भंवर गीत जो रचना है वो किसकी है? नंददास जी की है, है ना। अपन ने नंद की भंवर पाड़ दी थी, बोले नंद की भंवर पाड़ दो, है ना। तो नंददास हैं, और नंददास भी दोस्तों याद रख लेना विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आ सही हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन माने जाते हैं? श्रृंगार रस के विरोधी कवि यानी कि कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास, या फिर नंददास, कौन माने जाते हैं श्रृंगार रस के? आपको पता होगा दोस्तों कि जो संत काव्यधारा थी, संत काव्यधारा में सबसे जो पढ़े लिखे थे वो श्रृंगार विरोधी थे, वो पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास, है ना, सुंदरदास। ये सुंदर थे दोस्तों, इसलिए इनको श्रृंगार की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि यार हम श्रृंगार रस का विरोध करेंगे, है ना। ये सुंदर थे इसलिए सुंदर ने, सुंदर को श्रृंगार की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध कर दिया, ऐसे याद कर लेंगे। और सबसे पढ़े लिखे थे तो सुंदरदास थे, और इन्होंने विरोध भी किया काय का? श्रृंगार रस का, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सोहिला किसकी रचना है? ये कई बार पूछी गई दोस्तों, सोहिला, सोहिला की रचनाकार कौन है? गुरु अंगद हैं, गुरु नानक हैं, गुरु रामदास हैं, या फिर गुरु अर्जुन देव हैं? अर्जुन देव भी यहां पर डी नंबर आपका अर्जुन देव है, तो कौन है? हाँ, सुंदर लोगों को
सजने की जरूरत नहीं होती है। तो सोहिला की रचनाकार भी हमें लिखना है, और सोहिला की रचनाकार आपके होंगे गुरु नानक। गुरु नानक यानी कि जो विकल्प नंबर आपके बी हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी, हमेशा पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। और जो फिलहाल सोहिला आपसे पूछा गया, तो सोहिला रचना किसकी है, गुरु नानक देव की, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रुक्मणी मंगल के रचयिता कौन है, रुक्मणी मंगल तुलसीदास जी हैं, नंददास जी हैं, लालदास जी हैं, ईश्वरदास जी हैं। ये चार में से बताना है रुक्मणी मंगल की रचना है ना, और रुक्मणी मंगल इसके जो रचयिता माने जाते हैं। अब बोनी लगा देना कि सर मंगल आ गया, ये मंगल तो आ गया है लेकिन ये मंगल वाली रचना नहीं है अपनी, और ये किसकी है जल्दी से बताओ। ये दोस्तों नंददास की रचना है, किसकी, नंददास। रुक्मणी मंगल की रचयिता है नंददास, जानकी मंगल की रचयिता है तुलसीदास, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है ना। बहुत सारे लोग ए लगा देंगे, अभी देखो ए नहीं लगाना है, ये रुक्मणी मंगल नंददास जी की रचना है, जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है ना, कन्फ्यूज नहीं होना रुक्मणी मंगल और जानकी मंगल में, है ना। तो याद रख लेना, रुक्मणी जी आपको पता है श्री कृष्ण से संबंधित हैं, और जानकी जी राम से संबंधित हैं। तो जानकी राम से संबंधित यानी कि राम का अवधारा के तुलसीदास, और रुक्मणी कृष्ण से संबंधित तो कृष्ण का अवधारा के नंददास, इसलिए रुक्मणी मंगल नंददास की और जानकी मंगल तुलसीदास की, इस प्रकार से याद कर लेंगे। अगला देख लो, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, या फिर निम्बार्क हैं। द्वैता द्वैतवाद हमने आपको याद करवाया था दोस्तों, कैसे करवाया था, ट्रिक किसी को अगर याद है तो वो बता देंगे कैसे, निम्बू दे दे, निम्बू दे दे के हम परेशान हो गए, हमने आपको याद करवाई थी दे दे, तो यहाँ पर आ गया क्या, दे दे, और दे दे के हम क्या परेशान हो गए, निम्बू दे दे के परेशान हो गए, है ना। तो कौन होंगे, निम्बू से आपका बनेगा निम्बार्काचार, ये द्वैता द्वैतवाद के कौन होंगे, प्रवर्तक होंगे, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अब गलत नहीं करना कोई भी, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं बताना है, है ना। द्वैता द्वैतवाद के कौन है, निम्बार्काचार, क्योंकि निम्बू दे दे के हम क्या हो गए, परेशान हो गए, निम्बू, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अबिदु गगन मंडल घर कीजिए, ये पंक्ति किसकी है, कबीर की, जायसी, सूरदास, या फिर तुलसीदास की। अबिदु गगन मंडल घर कीजिए बहुत ही बढ़िया रचना है, और ये रचना किसकी मानी जाती है, दीप प्रकाश जी, किसकी मानी जाती है, अबिदु गगन मंडल रस घर कीजिए, और ए मानी जाती है कबीरदास जी की, किसकी, कबीरदास, यानी कि आपका जो ए नंबर है कबीरदास जी की, ये बिल्कुल सही होगा, अबिदु गगन मंडल घर कीजिए, ठीक है। हाँ, नींबू का अचार दे दो अंकुर जी पनवर, नींबू का अचार दे दो। हंगला हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिक बनाना भी सीख गए हैं, ट्रिक से पढ़ना भी सीख गए हैं, और याद करना भी सीख गए हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारी रचनाएं थी, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ये बोलते हैं कि सर आपने हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट ला दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, रचनाएं याद नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं, मतलब मन नहीं लगता था हिंदी साहित्य में, लेकिन जब आपकी ट्रिक पढ़ी और आपका वीडियो देखा तो हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट आ गया, हिंदी साहित्य अब अच्छा लगने लगा। पहले ऐसा लगता था कि कौन पढ़े हिंदी साहित्य में, बहुत रचनाएं हैं, बहुत कवि हैं, बहुत कुछ है, बहुत भारी सिलेबस है इसका, लेकिन अब क्या है कि अच्छा लगने लगा और याद होने लगा और लगता है कि पढ़ते ही रहें ऐसा, ठीक है। तो हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राम कुमार वर्मा ने। तो हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा, रस हम पढ़ते हैं दोस्तों कि जो आठ रस हैं, आठ रस माने भरत मुनि ने, नौवा रस जोड़ दिया शांत रस, फिर भक्ति रस, और फिर दोस्तों आपका बात्सल रस, बात्सल का चितेरा कवि सूरदास जी, है ना। तो यश जी, मधुराज जी, प्रदीप जी, है ना। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा यानी कि आचार्य शुक्ल ने कहा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है,
तो आचार्य शुक्ल जी ने माना है ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है तो क्या नहीं है दोस्तों, 189 का उत्तर बताना है दोस्तों। हिंदी साहित्य बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी होता है, बहुत सारा चीज, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ो, कुछ अलग पढ़ो, हटके पढ़ो, हंस के पढ़ो, मजाक करके पढ़ो, वो चीज़ आपको याद हो जाती है। आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ते जा रहे हो तो आपको याद नहीं होता। अगर आप कुछ उसमें मिर्ची मसाला पढ़ते भरते हो तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है, है ना। अपने व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ते हो, अपने पारिवारिक ग्राम में जोड़ते हो, जहाँ पर हम रोज खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वो चीज़ आप स्टडी में करते हो तो निश्चित ही वो चीज़ याद हो जाती है। और पश्चिमी हिंदी का मैंने आपको याद करवाया था कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों से आपका बन जाता है कन्नौजी, खड़ी से बन जाता है खड़ी बोली, ब्रज से बनता है ब्रज भाषा, बुंदेली से बुंदेली, हरी से हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इन सारी को लिखना है दोस्तों, और यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो आपको पता है कि जो अवधि है, अवधि ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, और अवधि की मैंने आपको याद करवाई थी कि अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएँ पूर्वी हिंदी की हैं, है ना। ये कोड भूल नहीं जाना, एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, है ना, ये आपको याद रखना है। कौन सा संचारी भाव नहीं है, शोक, अमर्ष, हर्ष या फिर गर्व, संचारी भाव बताना है, चार विकल्प हैं, और संचारी भाव आपको पता है कितने होते हैं, 33 संचारी भाव हमने पढ़े हैं, लेकिन 34वां संचारी भाव माना है किसने, छल नामक संचारी भाव मान लिया देव कवि ने, है ना, सभी को पता है, रटा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 34वां संचारी भाव जो माना है वो किसने माना है, तो देव कवि ने, यानी कि आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा शोक। संचारी भाव नहीं है तो शोक नहीं है। शोक क्या है दोस्तों, स्थाई भाव की श्रेणी में आता है, है ना। तो हम बोलते ना कि जहाँ पर शोक नामक स्थाई भाव जागृत होता है वहाँ पर आपका करुण रस हो जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये शोक स्थाई भाव है, संचारी भाव नहीं है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग बताना है दोस्तों, किसने किया है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, बामन माने जाते हैं, बामन, है ना। और रीति शब्द के लिए जो मार्ग शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, बामन हैं, शुक्ल हैं, कुंतक या फिर भरत मुनि हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक जो अंगूठा है अपना वो दबा देना, ठीक है, लाइक जरूर करना है। बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंगूठे में दर्द होता है, और जहां दर्द होता है वहां बामन आपको लगा देना है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर सही, रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग करने वाले हैं वो बामन हैं, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है। काव्य यश प्रदान करता है, काव्य अर्थ प्रदान करने का साधन होता है, काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है, या उपरोक्त सभी। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, मम्मट के अनुसार बताना है, है ना। आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में और भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हो, और यहाँ पर आपको बताना है कि मम्मट के अनुसार काव्य का जो उद्देश्य होता है वो हो जाता है क्या, काव्य यश प्रदान करता है ये भी होता है, काव्य अर्थ प्रदान करने का साधन है ये भी होता है, काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है ये भी आपका होता है, तब आपका जो उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला आपको बताना है, नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, अमान्य रस शांत है, विवश है, करुण है या फिर अद्भुत है। नाट्यशास्त्र द्वारा कारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, यानी कि 193 का उत्तर बताना है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शांत रस, शांत, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, शांत। नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य जो रस है वो शांत रस माना जाता है, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वाइन कर लें, फर्स्ट आपका प्लान है सिल्वर प्लान, सिल्वर प्लान आपको 59 रुपये पे करने होंगे, फिर गोल्ड प्लान है जिसमें आपको 159 रुपये पे करने होंगे, फिर आपका डायमंड प्लान है दोस्तों जिसमें 299 रुपये आपको पे करने होंगे, और आप बन जाएंगे दोस्तों हमारे ज्वाइन मेंबर, ठीक है। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार से सुबह 9:30 बजे आपका ट्रिकी वीडियो आता है, और रात्रि 9 बजे आपकी हिंदी की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।
आज की वीडियो के लिए बस। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।